हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस आर्ट। आई एम रीना जैन। फॉर लर्निंग फोटोशॉप फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट डेली वीडियोस। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लाइटनिंग टेक्स्ट इन फोटोशॉप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे विड्थ 1280 और हाइट 720 रखेंगे, पिक्सल्स में ही रखना है। रिजोल्यूशन 72 है, कलर मोड आरजीबी कलर सेलेक्टेड है, बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट है। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। अब इसे स्क्रीन में फिट करने के लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए 0 की प्रेस करना है। अब हमें इसमें ब्लैक कलर फिल करना है, तो इसके लिए यहाँ से पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक सेट है मेरा ऑलरेडी। अगर आपका नहीं है तो आपको डी की प्रेस करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ब्लैक कलर फिल हो गया। अब हमें यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो इसके लिए यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लेंगे और फॉन्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं राउंड्स ब्लैक करके जो फॉन्ट है वो यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई और भी फॉन्ट यूज कर सकते हैं, तो जो भी फॉन्ट आपको यूज करना है उसे सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लूंगी और यहाँ पे अभी टेक्स्ट का कलर ब्लैक सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे। इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 6F है। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट टाइप कर लेंगे, तो मैं यहाँ पे टाइप कर लूंगी थॉट। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें टेक्स्ट की साइज बढ़ानी है, तो इसके लिए कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है और फिर ऑल्ट और शिफ्ट की को होल्ड करते हुए कॉर्नर से बार की तरफ ड्रैग करना है आपको। और फिर इसे यहाँ पे सेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है। अब हमें न्यू लेयर क्रिएट करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये न्यू लेयर बन गई। अब हमें इस लेयर को रीनेम करना है, तो इसके लिए लेयर वन पे डबल क्लिक करेंगे और इसे नाम दे देंगे लाइटनिंग बैकग्राउंड। इसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। अब हमें इस लेयर में ब्लैक कलर फिल करना है, तो यहाँ से पेंट बकेट टूल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डी की प्रेस करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक और बैकग्राउंड कलर व्हाइट सेट हो गया। अब यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अब हम फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से रेंडर के अंदर क्लाउड्स वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। अब हम फिर से फिल्टर मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से रेंडर के अंदर डिफरेंस क्लाउड्स वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसे इन्वर्ट करना है, तो इसके लिए इमेज मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से एडजस्टमेंट के अंदर आपको ये इन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका शॉर्टकट की आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस आई है, तो इस पे क्लिक करेंगे इन्वर्ट पे, आप देख सकते हैं ये इन्वर्ट हो गया। और फिर लाइटनिंग बैकग्राउंड वाला जो लेयर है इस पे राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और यहाँ से कलर ओवरले इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ब्लेंड मोड चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से स्क्रीन सेलेक्ट करना है आपको और फिर यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे हैश कोड टाइप कर लूंगी 000659। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है आपको। ओपेसिटी 100% ही रखनी है आपको। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद लाइटनिंग बैकग्राउंड वाली जो लेयर है इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट क्लिपिंग मास्क इसे सेलेक्ट करना है आपको। और फिर एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से एक्सपोजर वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिपिंग मास्क ऐड करने के लिए और फिर यहाँ पे एक्सपोजर में इसे राइट में ड्रैग करना है, ऑफसेट में इसे लेफ्ट में ड्रैग करेंगे। और गामा करेक्शन में इसे राइट में ड्रैग करना है।
आप देख सकते हैं इस तरह से आपको सेट करना है। तो यहाँ पे एक्सपोजर की वैल्यू 0.53 है, प्लस में है, और ऑफसेट की वैल्यू -0.4283 है, और गामा करेक्शन की वैल्यू 0.08 है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हम टेक्स्ट वाली जो लेयर है इसे सेलेक्ट कर लेंगे और फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाएंगे और फिर यहाँ पे बेवल एंड एम्बोज इसे सेलेक्ट कर लेंगे। स्टाइल में इनर बेवल रखना है, टेक्निक स्मूथ ही रखना है, डेप्थ 100% रखेंगे, डायरेक्शन अप रखना है और साइज यहाँ पे बढ़ा देंगे 20 पिक्सल कर लेंगे। और यहाँ पे यूज ग्लोबल लाइट को अनचेक करना है और यहाँ पे एंगल 30 डिग्री करना है, एल्टीट्यूड की वैल्यू 70 डिग्री करेंगे और हाईलाइट मोड स्क्रीन रखना है, कलर व्हाइट रखना है, ओपेसिटी 75% रखेंगे और शेडो मोड में हम ओपेसिटी 0% कर लेंगे। इसके बाद इनर ग्लो इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको ब्लेंड मोड स्क्रीन रखना है, ओपेसिटी 100% कर लेंगे और नॉइज 0% रखना है और कलर यहाँ पे चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कलर। लाइट ब्लू कलर रखना है आपको, इसका हैश कोड आप देख सकते हैं 8FA9FF। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेक्निक सॉफ्टवेयर ही रखना है, सोर्स एज रखना है, चौक 0% रखना है और साइज यहाँ पे बढ़ा देंगे 30 पिक्सल कर लेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करना है आपको। अब हम लाइटनिंग बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर कंट्रोल की को होल्ड करते हुए टी की प्रेस करना है। अब आप चाहे तो इसे एडजस्ट कर सकते हैं जैसे भी आपको चाहिए, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से रख दूंगी। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, आप देख सकते हैं हमारा लाइटनिंग टेक्स्ट कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सो फ्रेंड्स आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू आर अ न्यू विजिटर देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।